Dear students, in previous lecture we have already discussed about algebraic and transcendental equation, and also we find the solution of algebraic and transcendental equation by bisection method. Now today we will discuss about solution of algebraic and transcendental equation by regular falsi method. As you know, if f(x) contains a polynomial in x, then fx equal to 0 is called a polynomial equation, which is also known as algebraic equation. But if fx contain trigonometrical function, exponential function and logarithmic function, then fx equal to 0 is called transcendental equation. Okay, let us see how find the solution of algebraic and transcendental equation by regular falsi method. Suppose f of x equal to 0 be a polynomial or transcendental equation. In this method, we choose two points x0 and x1 such that f of x0 and f of x1 are of अपोजिट साइन. ओके, हमें इक्वेशन जो दिया होगा f of x equal to 0, या तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन होगा या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगा. उसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो x f of x वो ले लेंगे. f of x में x की जगह 0 पुट करेंगे. 0 पुट करने पे देखेंगे कि f of 0 में क्या मिलता है. फिर x equal to 1 पुट करेंगे, फिर x equal to 2 पुट करेंगे. इस तरह से हम देखेंगे कि नहीं, दो कंजुगेटिव वैल्यू पे अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रख रही है, तो हम हमारा रूट जो है उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच लाई करेगा. ओके, तो इन दिस मेथड वी चूज टू पॉइंट्स x नॉट एंड x1 सच दैट f ऑफ x नॉट एंड f ऑफ x1 आर अपोजिट साइन. दैट इज, अगर हम f of x naught और f of x1 का मल्टीप्लीकेशन करें तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, विच इज लेस देन 0. ओके, तो यहां से हमने देखा ये xy प्लेन अपन ने लिया, xy प्लेन राइट, यहां पर हमने पॉइंट लिया x naught और यहां पे f of, यहां पे x1 लिया. f of x naught इज दिस एंड f of x1 इज दिस राइट. यहां से अपन ने देखा f of x naught और f of x1 क्या है, अपोजिट साइन रख रहा है. ओके, ऐसी कंडीशन में जो गिवन इक्वेशन का रूट है वो x naught और x1 के बीच लाई करें राइट. अब हम यहां पर आप देखिए, हमने टू पॉइंट्स लिया a एंड b, जहां पे a की कोऑर्डिनेट है x naught एंड f of x0 एंड बी के कोऑर्डिनेट x1 एंड f of x1. ओके, इन दो पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो हमें क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन AB मिली. अब हमें इससे क्या करना है, रेगुलर फॉल्सी मेथड का फार्मूला डिराइव करना है जिससे कि हम गिवन इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सके. तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इस स्ट्रेट लाइन AB का इक्वेशन ले लेते हैं, और द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एंड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट. ओके, अब आप देखिए जो ये स्ट्रेट लाइन ए बी है, यहां पे हमने लिया ना स्ट्रेट लाइन ए बी, ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करती है, at x equal to x2 पे राइट, एंड y equal to 0. ओके, तो द स्ट्रेट लाइन कट्स द x एक्सिस एट x equal to x2 पे y equal to 0. द नंबर इक्वेशन बिकम, यहां पे जहां y था इसलिए 0 हो जाएगा, 0 माइनस f of x0 equal to f of x1 माइनस f of x0 upon x2 माइनस x0 into, अब x equal to क्या है, x2 minus x1. ओके, इसको हम सॉल्व करें
यहां से हमें एक्स टू क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स टू इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ओके, तो देयरफॉर द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज एक्स टू इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। ये हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल गया बाय रेगुलर फॉर्सिंग। ओके, इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स टू फाइंड कर। अब एफ ऑफ एक्स टू फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स टू की साइन क्या है, राइट। यहां दो तरह की कंडीशन बनेगी, इफ एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स टू आर ऑफ अपोजिट साइन देन द रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स टू। ओके, ऐसी सिचुएशन में जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम ले लें एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स आर ऑफ अपोजिट साइन देन द रूट लाइज बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स। ओके, तो देयरफॉर द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए अगेन हम इक्वेशन वन में जाएंगे और हमारा रूट एक्स नॉट और एक्स टू के बीच लाई कर रहा है, तो यहाँ एक्स नॉट तो ऑलरेडी है, एक्स टू हमें चाहिए, तो इस इक्वेशन वन में एक्स वन को हम एक्स टू से रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। तो यहां पर आप क्या लेंगे, रिप्लेसिंग x1 by x2 in equation 1, we get the second approximation. हम क्या find करेंगे, क्या मिलेगा हमें, we get the second approximation. And which is from x3 से डिनोट करेंगे, x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं x1 को x2 से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा x0 माइनस x2 माइनस x0 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x0 इनटू द फॉर्मूला। ओके, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमें, बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर एफ ऑफ एक्स टू और एफ ऑफ एक्स वन अपोजिट साइन रख रहे हो, उस कंडीशन में जो इक्वेशन का रूट है वो एक्स वन और एक्स टू के बीच लाइक करे। जैसे कि मैंने बताया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए दो कंडीशन देखी, तो पहली कंडीशन में हमने देखा कि if f of x naught and f of x1 f of x naught and f of x2 are of opposite sign then the root of the equation lies between x naught and x2, but if f of x1 and f of x are of opposite sign then the root lies between
So replacing x naught by x2 in equation 1, we get the second approximation. Replacing x naught by x2 in equation 1, we get the second approximation. x3 equal to, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन वन में अगर हमें कंडीशन क्या मिल रही है, f of x1 and f of x2 अपोजिट साइन रख रहे हैं, उस कंडीशन में जो इक्वेशन का रूट है वो x1 और x2 के बीच लाई करेगा, तो हमको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन वन में x0 को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x2 से, तो क्या हो जाएगा x3 equal to x2 minus x1 minus x2 upon f of x1 minus f of x2 into f of x2. This second approximation. Right? Second approximation find करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? F of x3 find करेंगे. f of x3 की साइन देखेंगे और उसके पहले अपन देखेंगे कौन से, सपोज करो कि f of x3 हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव साइन दे रहा, लेकिन उसके पहले जो f of x x2 हमें पॉजिटिव साइन दे रहा, तो रूट किसके बीच लाई करेगा, x2 और x3 के बीच लाई करेगा, राइट right? तो ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि किन्हीं दो कंजुगेटिव अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू जिस डेसिमल पॉइंट तक इक्वेशन का रूट फाइंड करने को बोला जाए उस डेसिमल पॉइंट तक इक्वल. ओके तो आज अपन ने रेगुलर पासिंग मेथड देखा, नेक्स्ट डे अपन देखेंगे कि न्यूटन राफसन मेथड का यूज करके हम कैसे अल्जेब्रिक और ट्रांसफर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करें. ओके थैंक यू.